राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा द्वारा शुक्रवार को सरायकेला प्रखंड परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो के नेतृत्व में कॉलेज मोड़ से प्रखंड मुख्यालय तक आक्रोश रैली निकाली गई। भाजपा नेता सह नगर उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा, जल जंगल जमीन की रक्षा का नारा देने वाली झामुमो की सरकार में अवैध खनन जोरों पर है। सरकार भ्रष्टाचार के अंकट में डूबी है। बिना घूस दिए जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों को बिजली पानी नहीं मिल रहा है। कार्यक्रम को गणेश माहली, रमेश हांसदा, उदय सिंहदेव, अभिषेक आचार्य, बद्री दारोगा व पिंकी मोदक समेत अन्य ने भी संबोधित किया। 2022 में झारखंड सरकार ने कोड फ्री एक्ट को लागू किया है। उस एक्ट के तहत आज गरीब जो जनता है कोर्ट में फीस देने आधारित पार्टियां हैं, उनको ही झारखंड बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी। इस परिप्रेक्ष्य में आज जो रैली का आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो सरकारी कार्यालय, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे जिला कार्यालय हो, वहां पर दिखना चाहिए। भय सरकार के नाम पर भय होना चाहिए सरकारी पदाधिकारियों पर, लगे कि सरकार मेरे ऊपर है। लेकिन अभी कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। जहाँ भी जाइए बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यानी अपने सरकारी जो पदाधिकारी हैं, चाहे छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, बिना पैसा का कोई काम नहीं कर। जिस तरह से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का अपना प्रधानमंत्री आवास का जो कार्यक्रम है, आप भी देखते होंगे कि 2022 तक सभी वर्गों को पक्का मकान देने की जो सोच थी, निश्चित रूप से उसको सरजमीन में उतारने का प्रयास अपने माननीय मोदी जी के द्वारा हो रहा है। लेकिन झारखंड सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार में, करप्शन में, रिश्वतखोरी में लीन है, और लीन होने के चलते जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, उन केंद्र की योजनाओं को सही ढंग से सूत्रीकरण नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते उसका अनुपालन ढंग से सरजमीन में नहीं उतर रहा है। मैंने कई सीएम के साथ बहुत करीब रह के काम किया। राज्य की स्थिति बहुत खराब है। इतना खराब मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। इतने शासन काल में इतना ढीला शासन, जनता के प्रति गैर जवाबदेही, खुला लूट छूट, थाना बिक रहा है, खुलेआम सीओ वीडियो पैसा ले रहे हैं, कहीं कोई शिकायत कीजिए बिना पैसा का बात नहीं हो रहा है। इसलिए अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। और हेमंत जी जिस तरीके से अपने आप को आदिवासी का चोला ओढ़ करके बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अब ऊपर हो गया है। हेमंत जी आपने बहुत देर कर दी, और रूपा तिर्की पे आप चुप रहे, मोहन मुर्मू पे आप चुप रहे, 7 आदिवासी की हत्या हुई आप चुप रहे, दुमका में आदिवासी महिला का बलात्कार हुआ, मारा गया, जला दिया, आप चुप रहे। ऐसा गुंगा बनने से आप और नहीं होगा। पंकज मिश्रा को आप अभी तक मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाकर, क्या सर, असिस्टेंट बनाकर रखे हैं, पार्टी का सदस्य बनाकर रखे हैं, वो ईडी का जेल खट रहा है। तो आपने अब नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं बचा, और आप अब खत्म है, आपकी आपका व्यक्तित्व नहीं निकला। हर जगह में आज अराजकताएँ फैल गई है, कोई काम नहीं हो रहा है विकास का, बालू का माइनिंग ही नहीं हो रहा है। और इधर वीडियो बोलता कि प्रधानमंत्री आवास बनाओ, बालू पे अभी तक हम चिल्लाते रह गए, साल गुजर गया, एनजीटी का रोग खत्म हो गया, माइनिंग नहीं।